एक बात ध्यान रखें कि आप अपने घर में लाफिंग बुद्धा का स्थापना करें और वो ऐसी जगह पर हो जिस पर आपकी दृष्टि कहीं भी घर से जा रहे हैं तो उस पर पड़ना चाहिए, या घर में प्रवेश करें तो उस पर पड़ना चाहिए, यानी द्वार के आसपास ही कहीं एकदम लुकिंग की जगह होना चाहिए जहाँ आपकी दृष्टि पड़ रहा है। लाफिंग बुद्धा एक पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा को प्रस्तुत करती है। आप उनके दर्शन से प्रसन्न होते हैं और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, आपका हर कार्य सफल होता है, और वो हो सके तो किसी के द्वारा अगर गिफ्ट में दिया जाए तो ज़्यादा उत्तम होता है। उससे आपकी वृद्धि होती है, आप उनके घर में धन की और आपके विचारों की वृद्धि होती है, आपका सकारात्मक विचार आता है। इसीलिए आप कहीं अगर गिफ्ट में आपको मिलता है तो लाफिंग बुद्धा प्राप्त करें और अपने घर में जरूर स्थापित करें और इसका जाने वक्त आने वक्त दर्शन किया करें। इससे आपका उन्नति होगा, बरकत होगा और लाफिंग बुद्धा आपके घर में शुभ फल देगा। खुद से क्यों नहीं खरीदता है? क्या कि खुद की धन की इसमें व्यय होती है और ये एक सुकून है, शुभ सुकून को नहीं प्रस्तुत करता। अगर किसी के द्वारा दिया जाता है तो ये शुभ सुकून को प्रस्तुत करता है क्योंकि ये धन की प्राप्ति का सूचक है। अगर किसी ने दिया तो आपकी धन की क्षय भी नहीं हुई और आपके घर में खुशियां प्राप्ति भी हुई। इसलिए कोशिश करें कि आप अगर किसी के द्वारा प्राप्त होता है तो उसे ही अपने घर में रखें, स्थापित करें और खुद से खरीदने का प्रयास ना करें। अगर किसी के द्वारा प्राप्ति होती है, किसी के द्वारा गिफ्ट दिया जाता है या किसी के द्वारा आपको सुगुण के रूप में दिया जाता है तो उसे अपने घर में स्थापित करें और द्वार के पास स्थापित करें ताकि आते जाते आपकी दृष्टि पड़ती रहे और आपको शुभ फल मिले, आपको उन्नति बरकत हो, आपके घर में आनंद ही आनंद का लाफिंग बुद्धा के आशीर्वाद से ख्याल से आपके घर में आनंद ही आनंद की उन्नति हो।